सुशांत केस की उलझती गुत्थी। रिया ने कराया केस दर्ज। रिया से लगातार एनसीबी की पूछताछ। अब सुशांत की बहन पर भी निशाना। कौन है सच्चा, कौन है झूठा, कब सुलझेगी सुशांत केस की कहानी? बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि सुशांत सिंह की हत्या थी या सच में आत्महत्या। लगातार इस मामले में पहले दिन से ही सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सुशांत के गले पर जो निशान पाए गए थे, उसे देखकर नहीं लगता कि ये आत्महत्या है। इसीलिए शायद इस आशंका को खारिज नहीं किया जा रहा कि सुशांत का गला घुटा गया हो। दूसरी तरफ एम्स के डॉक्टरों का मानना है कि सुशांत के गले पर जख्म के निशान सीधे हैं, जो कि ऊपर की तरफ होना चाहिए था। ऐसे में कैसे आत्महत्या मान लिया जाए? इस मामले को लेकर सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि सुशांत मामले में गला दबाकर हत्या की आशंका को आसानी से क्यों खारिज कर दिया गया। सुशांत को कहीं जहर ना दिया गया हो, इसके लिए एम्स की फॉरेंसिक टीम विसरा टेस्ट कर रही है। रिपोर्ट से पता चलेगा कि सुशांत के खून में कोई ड्रग्स है या नहीं। सुशांत सिंह राजपूत का विसरा दिल्ली एम्स पहुंच चुका है। इसे प्लेन के जरिए मुंबई से लाया गया है। वहीं आपको बता दें कि विसरा जांच के लिए मृतक के पेट के भीतर से सैंपल लिया जाता है। इस दौरान मृतक की आंत, किडनी और दिल आदि का सैंपल लिया जाता है, इसे ही विसरा कहते हैं। ये जांच संदिग्ध मौत के मामलों में की जाती है। विसरा के जरिए पता लगाने की कोशिश की जाती है कि मौत कैसे हुई और इसकी वजह क्या थी। वहीं सोमवार को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रिया ने प्रियंका सिंह पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाने का आरोप लगाया है। रिया की FIR पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिएक्ट भी किया है। श्वेता ने ट्वीट करके लिखा, कोई भी चीज हमें तोड़ने वाली नहीं है, एक झूठी FIR तो बिल्कुल भी नहीं। वेल, अब देखते हैं कि सुशांत केस में क्या कुछ नया होता है और अब रिया चक्रवर्ती क्या कदम उठाती है। पंजाब केसरी ग्रुप। Yeah.